के दुकानदार ने आपको सहयोग किया, तन मन ध्यान से किया, 5100 रुपए का पारितोषिक की घोषणा के साथ किया कि व्यक्तिगत स्तर पर मैं 5100 रुपए के यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि 5100 रुपए का पुरस्कार राशि भी मैं माननीय कुलपति ने बता दिया। प्रेम सिंह का सम्मान करते हुए वर्षा कुमारी, अब मैंने आपको बताया जसवंत सिंह एसओएस के डायरेक्टर प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ओझा जी, विजेंद्र किंगन जी, प्रेम सिंह जी, डॉक्टर नवीन शंकर पाठक जी, भाई जीवेंद्र पांडे जी, राकेश कुमार सिंह जी, ब्रजकिशोर शर्मा जी, त्रिपुरारी शरण सिंह जी, सभी लोग और माननीय कुलपति महोदय को अच्छा लग रहा है क्योंकि खेल इनके जीवन का एक प्रबल पक्ष है, शिक्षाविद है। हैदराबाद में एक बर्लिन में विश्व उद्घाटन हुआ, इंडोर और आउटडोर दोनों लेवल पर खेला जाने वाला यह खेल 7 खिलाड़ियों के बीच, अब इसके बाद सारण जिला है आपका एसओएस, हाँ इस पर मेरी नजर है और आपका अद्भुत दृश्य में है और आपका जगत बड़ा भव्य है। एसओएस के खिलाड़ियों को जिनके हाथ में बॉल है अच्छा लग रहा है। अब छपरा एसोसिएशन को मैं बधाई देता हूँ, आर आर छपरा एक ही है, सीमा तान कर चलो वैशाली के खिलाड़ी। ये टीम ब्लू परिधान में आप कहाँ से हैं? खगड़िया, खगड़िया से आए हैं और खगड़िया वाले बिना बैनर का ही बैनर बना देते हैं, इनकी पहचान इतनी प्रबल है कि अच्छे खिलाड़ी हैं और इन्हीं खिलाड़ियों के बीच ले रहे हैं और आपकी शिरकत करने से एक अच्छा मैसेज जा रहा है। बांका के बगल में ही है मुंगेर और मुंगेर से आए हुए इन खिलाड़ियों का आप देख रहे हैं कि मार्च पास्ट का यह अंतिम देश मीडिया कर्मी मित्रों के लिए बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि बगल में ही देखिए मुंगेर और भागलपुर के ये खिलाड़ी, सारा बिहार यहाँ केंद्रित हो गया है। भागलपुर निश्चित तौर पर नवादा का आगमन, नवादा की टीम पीले रंग की जर्सी में बड़े शोभायमान हो रहे हैं और ये सूरज की जो धूप है आपके रंग से मेल खा रही है। ऊर्जावान इन खिलाड़ियों को BNPS 100 के समाधिक है और इसी क्रम में अंत अपना जिला भोजपुर की मिट्टी की ताकत लिए हमारे प्यारे बच्चे भोजपुर आ हुआ गई शिवनाथ सिंह युवा परंपरा। भेज दें अभी, रुक जाओगे। मैं अतिथियों से निवेदन करता हूं कि आप अपने आसन पर पुनर्विराजमान हो जाएंगे और साथ होगा उनका सहयोग होगा, एक शानदार तालियां बेहतर करने वाली का आलिया और आप भाई ये जो देश में खेल आयोजन है इस आयोजन के प्रथम के रूप में हराने का जो जी हैंडबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन आपने किया, क्या संदेश देंगे उन छोटे छोटे छात्र बच्चों को? ये बिहार स्टेट जूनियर हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भोजपुर में हो रहा है, आरा में हो रहा है। वहाँ इस टूर्नामेंट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स की टीमें आई हैं, 20 से भी अधिक टीमें आई हैं और 3 दिनों तक यह टूर्नामेंट चलेगा। संदेश हम ये देना चाहते हैं सभी बच्चों को कि वो खेल भावना से खेल में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, खेल के बाद मैदान में पूरा जो कॉम्पिटिटिव भावना है उसको यूज़ करें, लेकिन कभी भी डिसिप्लिन का उल्लंघन नहीं करें और जो खेल का रूल्स है और जो अंपायर का डिसीजन है, जो रेफरीज का डिसीजन है वो सब मान्य होना चाहिए, उसको माने और खेल के मैदान के बाहर और भीतर भी जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनसे भी प्रेम के साथ और दोस्ताना माहौल के साथ ही खेलें तो अच्छा रहेगा। आज हैंडबॉल जिला स्तरीय यहाँ पर प्रतियोगिता किया जा रहा है जी, कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं? देखिए इसमें बिहार के 29 जिलों के बच्चे आए हुए हैं, सहरसा, बांका, मधेपुरा,
मधुबनी, मतलब एक भी जिला ऐसा, कुछ ही जिले ऐसे हैं जो नहीं आ पाए हैं, बाकी सभी जिले हैं। और हमारे जो सचिव महाशय हैं उनके अनुसार ये ऐसा पहला बार हुआ है जहां इतनी मात्रा में खिलाड़ी आए हुए हैं। इसके पहले भी जहां आयोजन हुआ था वहां 10-12 ही जिले जुट पाए हैं, लेकिन यह हम लोगों की सौभाग्य कहिए या जो भी कहिए, 29 जिले एक साथ यहां आए हुए हैं। खिलाड़ियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था कैसी? खिलाड़ियों के रहने के लिए जिला स्कूल में व्यवस्था किया गया है उन लोगों के लिए, खाने पीने के लिए वहीं पर मेस चलता है और तीनों टाइम अच्छे स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था है। कितने दिनों तक चलेगा ये? 16, 17, 18 आज इसका उद्घाटन हुआ और 18 तारीख को इसका समापन है। उद्घाटन का मुख्य अतिथि कौन आया था? उद्घाटन का मुख्य अतिथि हमारे VC वाइस चांसलर साहब हैं और साथ ही साथ संभावना स्कूल के डायरेक्टर कुमार द्विजेंद्र जी हैं, ये लोग हैं। आप अपना परिचय? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, अध्यक्ष सह प्रबंध सचिव भोजपुर हैंडबॉल एसोसिएशन।